नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे कई सारी महिलाओं को बहुत फायदा मिला है और उन महिलाओं को बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव भी हो गई है। इस वजह से आप भी जब आपकी पीरियड एंड हो जाती है उसके नेक्स्ट डे से ही ये वाला जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ वो आपको ट्राई करना है और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। आपको केवल पीरियड के 6 दिन छोड़ करके जब आपकी पीरियड बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाती है उसी के दूसरे दिन से आपको ये वाला तरीका अपनाना है और ये आपको रात के समय करना है, जब आप सोने के लिए जाते हैं उसी समय बेड टाइम के समय ही करना है। अगर आपका ओवुलेशन टाइम चल रहा है या फिर जिस दिन आपको इंटरकोर्स करना है उस दिन भी आप ये करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित कर सकता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली कंसीव किया है इसी मेथड के ऊपर। इस वजह से आपके साथ भी अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या फिर आपके हस्बैंड के स्पर्म्स काउंट में कमी है, मॉर्फोलॉजी में कमी है, या फिर आपको किसी भी प्रकार की ट्यूब से या यूट्रस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो ये सभी कंडीशन की महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है जो कि आप पे वर्क जरूर करेगा फ्रेंड्स, 101% वर्क करेगा। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ नाभि में ऑयलिंग करने का तरीका। ऐसे तो बहुत सारे ऑयलिंग प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल होते हैं, तेल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए जो आपके शरीर में विकार है, लेकिन आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के ऊपर। तो हम ऐसे 3 ऑयल जो कि स्पेशली इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को ही दिए जाते हैं उनका फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से उनको ओवुलेशन या फिर उनके ट्यूब या फिर यूट्रस में कोई भी छोटी मोटी परेशानी है, कमी है, तो वो दूर हो जाए। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेंड्स कि नाभि में ऑयल लगाने के फायदे क्या क्या होते हैं, स्पेशली जिनको कंसीव नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, महिला और पुरुष दोनों को ही ये उपाय करने हैं, क्योंकि अगर आप दोनों ही सेहतमंद रहेंगे तो जल्दी से जल्दी आप कंसीव कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि नाभि में तेल लगाने के फायदे क्या होते हैं। अगर आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न ज़रूर है फ्रेंड्स। या तो आपके ट्यूब में प्रॉब्लम है, या तो आपके गर्भाशय में प्रॉब्लम है, इतनी मजबूती नहीं है कि वो कंसीव कर पाए। फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो आपकी नाभि होती है वो बहुत सारे आपके शरीर के ग्रंथियों से जुड़ी हुई होती है और इससे बहुत सारे विकार भी दूर हो जाते हैं। आपकी नाभि के जस्ट नीचे एक छोटा सा कट लगा करके जब भी आपको कंसीव नहीं होता है तो चेक किया जाता है कि आपके ट्यूब में या फिर यूट्रस में कोई दिक्कत तो नहीं है। इस वजह से जो नाभि है वो आपके यूट्रस को ट्यूब को कनेक्ट करके रखता है। और अगर आपकी नाभि हेल्दी होगी, अगर आप इससे आप जो भी मैं बताने वाली हूँ आगे प्रोसीजर करते हैं तो आपके ट्यूब और यूट्रस को बहुत ज़्यादा मजबूती मिल जाएगी, जिसकी वजह से कंसीव होने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। उन महिलाओं को जिनको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की वजह से कंसीव नहीं होता, क्योंकि अगर आपके इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको कॉन्स्टिपेशन या गैस बनने की समस्या ज़्यादा होती है तो आपके इम्प्लांटेशन भी फेल हो जाते हैं। इसी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। अगर आपको PCOS या PCOD की प्रॉब्लम है तो इसमें भी ये बहुत जल्दी रिलीफ पहुंचाता है फ्रेंड्स, क्योंकि नाभि में ऑयलिंग की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है यूट्रस का वो तेज होता है और इसी की वजह से आपका यूट्रस भी जो है वो हेल्दी हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, जिसकी वजह से कंसीव आपको जल्दी होता है, आपके ओवुलेशन समय पे होना स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड इनरेगुलर है तो इसमें भी फायदा पहुंचता है। और साथ ही साथ अगर आपको हार्मोनल इनबैलेंस की प्रॉब्लम है तो इसे भी ये बहुत हद तक ठीक कर देता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में स्पेशली जो कमी होती है वो होती है मोबिलिटी या मॉर्फोलॉजी की। सो फ्रेंड्स, ये पुरुषों के भी स्पर्म्स काउंट को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है टिश्यूज के अंदर या फिर आपके स्पर्म्स के अंदर तो भी आपको ऑयलिंग का प्रोसीजर जरूर करना चाहिए, या आपकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करता है, इस बात को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि कौन कौन से ऑयल से आप ऑयलिंग कर सकते हैं, आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको डेली रात में यह प्रोसीजर को दोहराना है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑयल होता है कस्टर्ड ऑयल। कस्टर्ड ऑयल बहुत बेनिफिशियल होता है आपके फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। सेकंड है कोकोनट ऑयल और थर्ड है ऑलिव ऑयल। ये सारी चीज़ें प्राकृतिक होती है तो इससे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और ये लगाने से आपको बहुत ही जल्दी फायदा भी पहुंचने वाला है। आपको सिंपली क्या करना है, रात को सोने से पहले आपको 3 से 4 ड्रॉप्स अपनी नाभि में डालना है, आपको पीठ के बल बेड पे सो जाना है। अब जब ये ऑयल अंदर चला जाएगा 3 से 4 मिनट में, तब आपको आपके पेट पे
घुमाते हुए सर्कुलर मोशन में 5 मिनट तक मसाज करना है, और ये आपको डेली करना है, महिलाओं के लिए स्पेशली, पीरियड्स में नहीं करना है, पीरियड्स के नेक्स्ट डे से करना है, लेकिन पुरुषों को ये कभी भी करना है, पूरे मंथ में आप चाहें तो कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फ्रेंड्स मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि आपके कम्फर्ट के हिसाब से आप तीनों में से कोई भी एक ऑयल का चुनाव कर सकते हैं। ये तीनों ही आपके फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए ऑयलिंग होती है, इस वजह से आपको जो कन्वीनियंट लगे वो वाला तेल आप ले लीजिए, परसेस कर लीजिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, इसलिए एक अच्छे कंपनी एक अच्छे ब्रांड का ही यूज़ करिए और इसे डेली अपने नाभि में सोने से पहले लगाना चालू कर दीजिए। इसी के अलावा फ्रेंड्स मैं ये भी बता दूं आपको कि जब भी आप कंसीव के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको ओवुलेशन ट्रैक करना बेहद इंपॉर्टेंट है, ओवुलेशन से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ओवुलेशन के दिनों में ये ऑयलिंग करने से नाभि के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद एक नाभि ही ऐसी चीज़ होती है जो बेबी के द्वारा आपको और आपके बच्चे को जोड़ के रखती है, तो नाभि एक बहुत ही ज़्यादा मुख्य भाग होता है आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने का, तो बिल्कुल ही अपने नाभि के ऊपर ये वाला ट्रीटमेंट करना ना भूले। अगर आप तरह तरह के उपाय करके थक चुकी हैं और प्रेगनेंसी अभी तक कंसीव नहीं हुई है तो आप जरूर इस चीज का लाभ उठाएं, आप नेवल ऑयलिंग करना बिल्कुल भी ना भूले, आप जरूर ये करें और आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ साथ ओवुलेशन को ट्रैक करना भी बिल्कुल जरूरी है आपके लिए, इस वजह से ओवुलेशन के बहुत सारे वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे, उसे भी देखना और समझना शुरू कर दीजिए। इसके साथ अगर आपके कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिस्कस करने के लिए पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी पर जुड़ सकती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और फ्रेंड्स अपना पूरा ध्यान रखें। टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।